तो एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। आज माना जा रहा था कि रिश्वत कांड पर अरविंद केजरीवाल सफाई देंगे, लेकिन उन्होंने ईवीएम की आड़ ले ली। विधानसभा के सत्र में इस बात पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है एक तरफा कि ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि 12 मई को चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक बुला रखी है, जिसमें वो ईवीएम को लेकर सब पार्टियों के सवालों का जवाब देने वाले हैं। फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भेजा ये सत्र क्यों बुलाया, रिश्वत कांड के बीच में ईवीएम की आड़ उन्होंने क्यों ली, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, जिनको सदन से मार्शल्स के जरिए उठाकर बाहर करवा दिया गया, क्योंकि वो लगातार ये बात कर रहे थे कि रिश्वत कांड पर जवाब देना चाहिए। वो इस वक्त दिल्ली विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, और अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक ईवीएम पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह कि अलका लांबा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है आम आदमी पार्टी के, और अलका लांबा ही एमसीडी चुनाव के दिन अपनी पार्टी के नेताओं की उस बात को धता बता रही थी कि हार हुई है, ईवीएम की आड़ नहीं लेनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता, आपके धरने पर बैठने से क्या होगा, आप लोग हैं कितने? देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से सदन से मुझे बाहर निकाला गया है, और जिस तरह से सदन के अंदर आज गुंडागर्दी हुई है, जिस तरह से मेरे साथ अत्याचार किया गया है, क्योंकि मैंने सत्येंद्र जैन मंत्री के भ्रष्टाचारों का खुलासा करना चाहा, क्योंकि मैंने दस्तावेज केजरीवाल जी को देने चाहे, और हमने कोशिश की इस पर भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले पर केजरीवाल जी बोले, लेकिन मुझे काम ना मेरे काम हमारे काम रोको प्रस्ताव को, ना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कोई ध्यान दिया गया। ये तमाम दस्तावेज मेरे पास हैं, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन ने ज़मीनों की खरीद फरोख्त की, करोड़ों रुपए का गमन किया, भ्रष्टाचार किया, फर्जी कंपनियां बनाई, और उसको इंडस्ट्रियल से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने की एक कवायद की। तो ये सब मेरे पास दस्तावेज, मैं वहाँ देना चाहता था ये दस्तावेज। देखिए, ये तमाम 15 मेरे पास ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर उन ज़मीनों का ब्यौरा है। 4 दिल्ली के गांवों में ये ज़मीन खरीदी गई है, कराला में, निज़ामपुर में, बूढ़पुर में, और सवाल ये है कि 200 बीघा ज़मीन भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी जाती है। विजेंद्र जी, आप लोगों को पहले नहीं पता था कि आज शेयरों की कीमत जो सत्र बुलाया जा रहा है उसका एजेंडा क्या होगा? देखिए, हमें ये मालूम था कि आज चूंकि जो दिल्ली में चल रहा है, देश में चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं भ्रष्टाचार की सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को, तो भ्रष्टाचार पर चर्चा होना स्वाभाविक था। हमने उसी लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, लेकिन हम हैरान रह गए कि 2 बजे सदन शुरू हो रहा है, 1:30 बजे तक किसी सदस्य को ये मालूम नहीं था कि आज का एजेंडा क्या है। एजेंडा तक हमको नहीं दिया गया। जो हाउस का जो शेड्यूल ऑफ बिजनेस है वो हमको नहीं दिया गया। तो जब शेड्यूल ऑफ बिजनेस नहीं आया और सदन जब बुलाया गया तो ये कहा गया था कि आज जवाब देंगे केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मामलों का, तो बड़ी हैरानी हुई कि अंदर गए तो हमें सदन से बाहर निकाल दिया, विशेष रूप से मुझे बाहर निकाल दिया, अकेले को बाहर निकाल दिया, और बहुत रिक्वेस्ट की कि भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, इनका खुलासा होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपने भी तो चुनाव लड़ा था, आप भी हार गए, लेकिन आपके मुँह से तो हमने एक बार भी नहीं सुना कि ईवीएम खराब है इस देश की। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव हार और जीत अपने आप में एक अलग चीज है, और लोकतंत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी होनी चाहिए, यह भी एक अलग बात है। किसी चीज के ऊपर पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। जैसे मीनाक्षी जी ने कहा अभी कि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था कि आइए और हैक करके दिखाइए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा है। इलेक्शन कमीशन ने 12 तारीख के चर्चा की डेट रखी है। इलेक्शन कमीशन ने कभी पार्टियों को बुलाकर ईवीएम सामने नहीं रखी कि इसको हैक करके दिखाइए। लेकिन 2009 में बीजेपी भी यही बात कहती थी। बीजेपी को ऐसा कौन सा संतुष्टि का प्रमाण मिला कि 2009 के बाद बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाना बंद कर दिया, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। लेकिन आज पूरा देश ईवीएम की बात कम सुनना चाहता है, आज देश जानना चाहता है जो केजरी कांड हुआ है उस पर केजरीवाल जी क्या सफाई देंगे या उनकी सरकार क्या सफाई देगी। जिस तरह से आज विधानसभा में जो विजेंद्र गुप्ता जी भी बता रहे हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और काम रोको या तमाम जो भी इन्होंने अपने एजेंडे में चीजें लानी चाहिए उसको नहीं लाया गया,
ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करेंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक मंत्री दर दर भटक रहा है, सीबीआई में भी, एसीबी में भी, कि साहब मेरे सामने 2 करोड़ रुपए कैश में लिए गए, और उसके ऊपर विधानसभा चर्चा नहीं करती है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है, सीबीआई ने या एसीबी ने अभी तक कोई भी एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी स्वयं तो केजरीवाल जी को नहीं बचा रही है? जफर इस्लाम बोलिए। आलोक जी देखिए, आज केजरीवाल पे लोग बड़े हैरान परेशान है, और आपके बात में ऐसे लोग हंसेंगे। बीजेपी का क्या इसमें, बीजेपी के ये एजेंसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कौन सी बात? इंडिपेंडेंट एजेंसी को अगर कुछ दस्तावेज आए तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो एग्जामिन करेगी और जो सही कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। लेकिन आज देश प्रदेश और पूरी जनता ये देख रही है, और आपको भी चीख चीख के यही कहना चाहिए कि केजरीवाल बाहर आओ और बोलो। केजरीवाल अब तक लोगों पर कितने, देखिए जो पाप का घड़ा जो है अंत में कहीं टूटता है, और आज टूटने का दिन आ गया है। केजरीवाल ने पिछले 5 सालों में सिर्फ लोगों के आंखों को में धूल झोंका है, और अपनी बात कहीं ना कहीं मनवाने की कोशिश की है, गलत तरीके से मिसलीड करके। अब वो वक्त आ गया है कि लोग उनसे सवाल करने के लिए खड़े हैं, और वो भाग रहे हैं जवाब देने के लिए। नहीं, लेकिन जवाब तो आ नहीं रहा ना जफर इस्लाम और आलोक शर्मा जी। निनाद से इसीलिए कह रहा हूं, क्या आज अगर विधानसभा में आपको इस तरीके का भयंकर बहुमत मिल जाए तो आपको ये छूट मिल जाती है कि आप 15 बार 20 बार जितनी बार मर्जी विशेष सत्र बुलाएं, उसमें अपनी मनमर्जी की बातें कहें, लोग बाहर आपसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो, आप अंदर ईवीएम की आड़ लेके और फिर उसके बाद? सर ये जनमत का दुरुपयोग है, बार बार अपने इतने बड़े मेजोरिटी का एक ब्रूट फोर्स को यूज़ करना और जो मुद्दे की बातें ना करना, मेरे ख्याल से तो जनमत का दुरुपयोग इसलिए है, और वो बार बार करे, पहली बार नहीं हुआ। आपने कहा कि कई विशेष सत्र बुलाए हैं, इस वक्त इस तरह का विशेष सत्र बुलाना हास्यास्पद है। आपने जो मुद्दा है वो उस पर बात करनी ही नहीं है, और एक तरह से ये एरोगेंस भी है, ये अपने अपने आप में इतना वो केजरीवाल जी अपने ही मनमानी करना चाहते हैं, और ये मनमानी चलाने जो पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी मेजोरिटी इनके पास 2 साल है कोर्स करेक्शन करने के। लोग भूल जाते हैं कि केजरीवाल के पास अभी 2 साल का मैंडेट है, अगर वो पार्टी बचा पाए तो। पार्टी तभी बचेगी जब वो आगे आएंगे और बात करेंगे। इस तरह से पार्टी शायद टूट भी सकती है।